हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित सीक्रेट। गाइस, आज हम बात करने वाले कि लाइटिंग टेस्ट कैसे बनाते हैं। लाइटिंग टेस्ट बनाने के लिए आपको करंट मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसको ओपन कर लेना, उसके बाद बैकग्राउंड में जा करके ब्लैक बैकग्राउंड को 30 ड्यूरेशन तक कर लेना। उसके बाद आपको उस पर लिखना है टेक्स्ट स्टाइल पर जाने के बाद, जैसे कि मैंने लिख लिया रोहित। रोहित लिखने के बाद आपको ऑफ डिस्प्ले बजाऊँगा। डिस्प्ले बजाने के बाद फुल जिस तरीके का आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद फुल लेयर तक मैंने 30 तक इसको स्केयर कर लिया है। इसके बाद आउटलाइन को इसकी आउटलाइन को वाइट कर लेना है। बस प्लस हो गया। उसके बाद आपको इसके कलर को भी ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद आपको स्क्रीन में जाना है। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास जैसे कि एक मल्टी कलर बैकग्राउंड वाली पिक्चर ले लूँगा, ये ले लिया। इसके बाद इसको फुल साइज करने के बाद ब्लाइंडिंग वाले उस पर ऑप्शन पर जाने के बाद आपको मल्टीप्ले कर देना है। उसके बाद आपको उस पर जा करके क्लॉकवाइज पर क्लिक कर देना। देन अगर आप कुछ लगाना चाहते, जैसे कि कोई साउंड लगाना चाहते हैं ना, तो अपने ऑडियो में जाकर के साउंड को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने साउंड लगाया है, ये ले लिया डिस्टो वाले। इसके बनाने के लिए गाइस, पहले आपको जाना, उसके बाद आपको हैंडराइटिंग में जाना है। हैंडराइटिंग में जाने के बाद आपको एक स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपको उसको जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं उस तरीके से लेकर के इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है। उसके बाद इसको इसके लेयर को फुल बढ़ा देंगे, फुल साइज कर देंगे। देन फुल साइज करने के बाद अब इसको देखिए, ऐसे ही हमारा